नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई हापुड़ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। पेशे हापुड़ की आज की बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं चरम रोग एलर्जी के इलाज के लिए कॉल करें डॉक्टर शिशिर गुप्ता MBBS MD 9837509509। हापुड़ से करोड़ों रुपए का माल लेकर भागा किराना व्यापारी, 3 ट्रकों के साथ पकड़ा गया। हापुड़ की मेरठ रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक करोड़ों रुपए का किराना का माल लेकर फरार हुए किराना व्यापारी श्रवण कुमार और उसके 3 ट्रकों को गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने पकड़ लिया। श्रवण कुमार मंगलवार की रात को दुकान और गोदाम का माल भर कर ले गया और रातों रात गायब हो गया। श्रवण के गायब होने की खबर पर बुधवार को व्यापारियों ने हंगामा किया। गुरुवार की सुबह श्रवण गढ़मुक्तेश्वर में माल बेचने का प्रयास कर रहा था कि किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने 3 ट्रकों को पकड़ लिया। पुलिस चौकी बनाए जाने के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। थाना बाबूगढ़ के अंतर्गत गांव सिकंदरपुर काकोड़ी में निर्माणाधीन पुलिस चौकी के विरोध में गुरुवार को ग्रामीण सड़क पर उतर आए। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसानों और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस चौकी के निर्माण का विरोध कर धरना प्रदर्शन शुरू किया। ग्रामीणों ने बताया कि जमीन राजकीय इंटर कॉलेज के लिए आरक्षित है, जिसके लिए सिकंदरपुर काकोड़ी और होशियारपुर गढ़ी के ग्रामीणों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया। ई हापुड़ न्यूज की खबर का एक बार फिर असर। बचलौता मार्ग पर निर्माण शुरू तो वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाला ऑटो सीज। कस्बा बाबूगढ़ से बीबी नगर तक जाने वाले बचलौता मार्ग की जर्जर हालत को देखकर ई हापुड़ न्यूज की प्रकाशित खबर को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। प्रशासन ने खबर का संज्ञान लेकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया तो वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ऑटो का वीडियो ई हापुड़ न्यूज ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को सुबह पकड़कर सीज कर दिया। इस ऑटो के पीछे एक युवक लटक कर अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहा था, जिसकी खबर ई हापुड़ न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। हापुड़ का जोनी करोड़ों की ठगी के मामले में गाजियाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस और साइबर सेल ने हापुड़ के एक जॉनी को उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि युवक ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर एक फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से 2.5 महीने में 1 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। टीम ने आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल, 1 पासबुक, विजिटिंग कार्ड आदि बरामद किए हैं। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का निवासी जॉनी फिलहाल विजयनगर के कृष्णनगर में रह रहा था, जिसने जल्द अमीर बनने के लिए कॉल सेंटर खोला था। जॉनी बीए पास है, जिसे शॉर्टकट से पैसा कमाने का फितूर था। वहीं हिमांशु शेखर और संदीप गुप्ता भी राजनगर की एक सोसाइटी में रह रहे थे। एक अनुमान के मुताबिक आरोपी 2.5 महीने में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। बिजली विभाग के जेई के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज। जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने एक गांव मोहम्मदपुर रस्तमपुर के योगेंद्र पुत्र धर्मवीर की तहरीर पर जेई प्रवीण कुमार शर्मा के खिलाफ धारा 420 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी का नाम प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र मनोहर लाल शर्मा है, जो कि फिलहाल बाबूगढ़ के फतेहपुर कुचेसर रोड पर रह रहा है, जिस पर साल 2017 में 20,000 रुपये लेकर कनेक्शन पीडी ना कराने का आरोप है। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। हापुड़ की पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए ई हापुड़ न्यूज़।